देखिए जो क्वेश्चंस हैं वो है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या निकालना है, ठीक है। यानी कोई भी पास पास वाली 2 संख्याएं हैं उनके बीच में अगर आपको कोई परिमेय संख्या पूछी जाए तो निकालने का बहुत ही इजी तरीका है। आपको कुछ नहीं करना है, देखिए जितनी संख्या पूछी जाए उससे एक अधिक आपको हर में लेना है, उसी संख्या को एडजस्ट करना है। देखो कैसे, देखिए 3 है, इसको मैं लिखूंगा हर के रूप में 7 लेकर, क्योंकि 6 संख्या मुझे परिमेय संख्या पूछा है बीच में, तो यहाँ लूँगा 7 एक प्लस करके। अब 7 का गुणा 3 से कर दो, कितने हो गए 21, ऊपर लिखो यहाँ 21। कुल मिला के इसको जो पूर्णांक था उसको मैंने परिमेय संख्या के रूप में एडजस्ट किया है, यानी 21/7। 21 के अंदर इस 7 का भाग दूंगा तो 7 + 21 यानी 3 आ जाएगा, यानी 3 और 21/7 दोनों क्या है, एक ही है, सिर्फ आपको रूप है वो चेंज करना है, क्योंकि हमें परिमेय संख्या पूछा है। और परिमेय संख्या क्या होती है, p/q का रूप, यानी ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। तो 3 है उसको परिमेय संख्या के रूप में लिखना है, और लिखने का तरीका आपको ये रखना है कि नीचे हमेशा जितनी पूछी जाए उससे एक अधिक संख्या रखना है हर के रूप में। तो यहाँ मैंने 6 थी तो मैंने 7 रखा, और ऊपर 21 रखा क्योंकि 21 के अंदर 7 का भाग दूंगा तो वापस आ जाएगा 3, या फिर ऐसे याद रख सकते हैं 7 का गुणा कर दो 3 से 21 आ जाएगा। नेक्स्ट दूसरी जो संख्या है उसमें भी ऐसा का ऐसा काम करना है। देखिए 4 है बराबर, यहाँ पर भी वही हर के रूप में तो 7 ही लिखना है, और 7 का गुणा कर दो 4 से, कितने आगे 28, यानी 28 के अंदर 7 का भाग देंगे तो 4 आ जाएगा। अब आप इजीली 6 संख्या है वो लिख पाएंगे, 21/7 और 28/7 के बीच में 6 परिमेय संख्या, 22/7 क्योंकि 21/7 है उसके बाद में क्या आएगा 22/7, फिर 23/7, फिर 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। देखो बिल्कुल एग्जैक्ट आपको जितनी संख्या पूछी जाए उतनी मिलेगी, यानी 6 परिमेय संख्या पूछा है 6 मिल गई, देखो 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो ये तरीका है किसी भी 2 पास पास वाली संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या प्राप्त करने का।